प्रिय विद्यार्थियों, CEW 102 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय विद्युत नियमावली एवं लाइसेंस अर्थात इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स एंड लाइसेंसिंग का अध्ययन करेंगे। विद्युत ऊर्जा के सदुपयोग के लिए IEEE अर्थात इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने भारतीय विद्युत अधिनियम की संरचना की ताकि विद्युत कार्य सुचारू रूप से एवं उच्च गुणवत्ता के साथ किए जा सके। साथ ही साथ देश में किए जाने वाले समस्त विद्युत कार्यों में समरूपता भी रहे। इन्हीं बातों को दृष्टिगत रखते हुए इन नियमों की रचना की गई है। वर्तमान युग में विद्युत शक्ति का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है और हमारे दैनिक जीवन विशेषकर शहरी जीवन में विद्युत शक्ति चालित उपकरणों का प्रयोग अति आवश्यक हो गया है। विभिन्न प्रकार के विद्युत तारों तथा उपकरणों को विद्युत परिपथ में लगाया जाता है। मानव जीवन की सुरक्षा के लिए विद्युत तार तथा उपकरणों को उचित सुरक्षात्मक ढंग से लगाया जाना चाहिए। विद्युत उपकरणों की सुरक्षात्मक कार्य प्रणाली तथा मानव सुरक्षा के लिए भारतीय विद्युत प्राधिकरण तथा भारतीय मानक संस्थान ने कुछ नियम बनाए हैं ताकि विद्युत कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे तथा सारे देश में विद्युत कार्यों में समरूपता रहे। इस पाठ के माध्यम से इन्हीं नियमों की जानकारी दी जाएगी। वैसे तो ये नियम बहुत अधिक संख्या में हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सामान्य भारतीय विद्युत अधिनियमों का सार ही संक्षेप में बताया जाएगा। तो आइए सर्वप्रथम घरेलू वायरिंग से संबंधित कुछ सामान्य भारतीय विद्युत अधिनियमों के सार का ही अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देखें वायरिंग किसे कहते हैं। वायरिंग का मतलब किसी भवन, कार्यालय, उद्योगशाला आदि में विद्युत शक्ति के उपभोग की सुविधा उपलब्ध कराना ही विद्युत वायरिंग कहलाता है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने NE कोड यानी नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अंतर्गत घरेलू विद्युत वायरिंग के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं जो इस प्रकार है। IE रूल्स के अनुसार प्रकाश व पंखे के उप परिपथ में उपभोग बिंदुओं की अधिकतम संख्या 10 तथा लोड 800 वाट तक होना चाहिए। विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री ISI मार्क होनी चाहिए तथा नमी, रासायनिक धुआं तथा आग से सुरक्षित होनी चाहिए। वायरिंग में प्रयोग होने वाले सभी धात्विक कवर जिसमें से करंट गुजारी जा रही है आवश्यक रूप से अर्थ कर देने चाहिए, जैसे मेन स्विच का कवर इत्यादि। सॉकेट सामान्यतः 3-पिन वाला होना चाहिए तथा इसका अर्थ टर्मिनल अर्थ कंडक्टर के साथ जुड़ा होना चाहिए। फेज चालक में सदैव फ्यूज लगा होना चाहिए तथा सभी फेज चालक स्विच द्वारा नियंत्रित किए जाने चाहिए। अर्थ चालक में कोई स्विच अथवा फ्यूज कभी भी नहीं जुड़े होने चाहिए। जब तक बताया ना जाए स्विच
स्विचबोर्ड की ऊंचाई जमीन से 1.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा बोर्ड प्रवेश द्वार के बाईं ओर होना चाहिए, किंतु ये लंबाई उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार बदली भी जा सकती है। सभी प्रकार की लाइट पॉइंट की फर्श से ऊंचाई 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक उप परिपथों को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर पृथक पृथक रखना चाहिए। थ्री फेज एसी लाइन में जहां तक हो सके प्रत्येक फेज पर लोड को संतुलित अर्थात बैलेंस्ड रखना चाहिए तथा तीनों फेजों को अलग अलग रंग क्रमशः लाल, पीले और नीले रंग द्वारा प्रदर्शित तथा न्यूट्रल को काले रंग से प्रदर्शित करना चाहिए अथवा इन रंगों के तारों का प्रयोग करना चाहिए। लाइट अथवा पंखे के सर्किट और पावर वायरिंग के सर्किट पृथक पृथक बनाने चाहिए। मेन स्विच और वितरण बोर्ड में प्रवाहित होने वाली धारा का मान परिपथ में लगने वाले लोड के अनुसार ही ज्ञात करना चाहिए। परिपथ में लगे सभी 440 वोल्ट के उपकरणों अथवा मशीनों की दोहरी अर्थिंग करनी चाहिए। कभी भी नई विद्युत वायरिंग स्थापित करने के बाद सप्लाई शुरू करने से पहले मैगर नामक यंत्र द्वारा क्षरण धारा अर्थात लीकेज करंट का परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। परिपथ में क्षरण धारा का मान कुल धारा के मान के 1/5000वें अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। वायरिंग में प्रयुक्त चालक ऐसा होना चाहिए जो बगैर गर्म हुए लोड धारा को सुरक्षा पूर्वक वहन कर सके। प्रयुक्त चालक सभी तरह से सुरक्षित होना चाहिए, जैसे क्षरण धारा से, आग से, यांत्रिक रूप से आदि। सभी सब सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में अलग अलग फ्यूज से जुड़े होने चाहिए। सभी सर्किट या उपकरण अलग अलग स्विच से नियंत्रित होने चाहिए। सब सर्किट को अधिक धारा से बचाने के लिए फ्यूज या स्वचालित सर्किट ब्रेकर उपयोग करने चाहिए। स्नानागार अर्थात बाथरूम में लगने वाले श्राउडेड होल्डर्स कुचालक पदार्थ से घिरे हुए होने चाहिए ताकि इसे पानी से बचाया जा सके। अब हम भारतीय विद्युत अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के सार का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम नियम 28, वोल्टता अर्थात वोल्टेज। किन्हीं दो चालकों के मध्य विभवांतर का मान ही वोल्टेज कहलाता है। निम्न वोल्टता लो वोल्टेज, ऐसी वोल्टता जो कम से कम 240 वोल्ट हो निम्न वोल्टता कहलाती है। मध्यम वोल्टता मीडियम वोल्टेज, मध्यम वोल्टता का मान 640 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। उच्च वोल्टता अर्थात हाई वोल्टेज,
22,000 वोल्ट तक की वोल्टता को हाई वोल्टेज कहते हैं। अत्यधिक वोल्टता, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, 22,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज इस श्रेणी के अंतर्गत आती है। नियम नंबर 32। इस नियम के अनुसार न्यूट्रल के लिए अलग से कोई स्विच, लिंक या फ्यूज नहीं लगाना चाहिए। नियम नंबर 34। कहीं भी लगा हुआ खुला चालक उतना ऊंचा लगा होना चाहिए कि उसे बिना सीढ़ी के छूना असंभव हो, अर्थात वह चालक पहुंच के बाहर हो। मोटर जनरेटर या अन्य किसी वैद्युत मशीन आदि पर यदि 400 वोल्ट या उससे अधिक वोल्टता पर वह मशीन कार्य करती है तो उससे संबंधित खतरे का निशान हिंदी अथवा वहां की स्थानीय भाषा में लगा देना चाहिए। नियम नंबर 36। किसी भी विद्युत चालक अथवा विद्युत उपकरण को प्रारंभ करने अथवा उस पर कार्य शुरू करने से पहले उस चालक अथवा उपकरण को अर्थ करने के साथ साथ अनावेशित कर देना चाहिए, और जो विद्युत कार उस काम के लिए लाइसेंस प्राप्त हो उसे ही इस काम को करना चाहिए। नियम नंबर 38। सभी केबल, वायर आदि विद्युत रोधी होने चाहिए तथा लचीले केबल उच्च विद्युत रोधी होने चाहिए तथा तभी प्रयुक्त होने चाहिए जब वे यांत्रिक हानि से सुरक्षित हो, अर्थात यांत्रिक रूप से मजबूत हो। नियम नंबर 42। हर एक सर्किट तथा विद्युत उपकरण इस प्रकार लगाना चाहिए कि उसमें जरूरत से ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न ना हो और किसी दुर्घटनावश भी ना आ सके और किसी भी कारण से उनके आवेशित होने का भय ना रहे। नियम नंबर 44। विद्युत दुर्घटना होने पर व्यक्तियों के उपचार से संबंधित जानकारी के चार्ट हिंदी, अंग्रेजी अथवा स्थानीय भाषा में लगाए जाने चाहिए, साथ ही साथ प्राथमिक उपचार बक्से का भी प्रबंध होना चाहिए। नियम नंबर 45। बल्ब, पंखे, स्विच इत्यादि अथवा निम्न वोल्टेज वाले घरेलू उपकरणों को बदलने के साथ साथ बिना लाइसेंसी ठेकेदारों या सक्षम प्रमाण पत्र न रखने वाले व्यक्तियों के लिए विद्युत कार्यों में परिवर्तन, मरम्मत अथवा रखरखाव कार्य करने की मनाही होनी चाहिए, अर्थात यह कार्य किसी लाइसेंसधारी विद्युत कार द्वारा ही किए जाने चाहिए। नियम नंबर 47। वितरणकर्ता अथवा निरीक्षक को करंट सप्लाई देने से पहले पूरी व्यवस्था का निरीक्षण करना अनिवार्य है तथा विद्युत व्यवस्था में कोई कमी होने पर उसे जोड़ने से रोकने का भी अधिकार है। जहां पर अधिकतम क्षरण धारा अर्थात लीकेज करंट का मान 1/5000वें भाग से अधिक हो वहां पर निरीक्षक को सप्लाई रोकने का अथवा बंद करने का पूर्ण अधिकार है। नियम नंबर 52। व्यवस्था को हमेशा भली प्रकार से रखने तथा अपने क्षेत्र में लगे उपकरणों का उत्तरदायित्व उपभोक्ता का ही होता है। नियम नंबर 56। अर्थ को टेस्ट करने के लिए एक लिंक जोड़ा जाता है। सभी तीन फेज 440 वोल्ट के उपकरणों के कवरों अथवा फ्रेमों को दो अलग तथा भिन्न कनेक्शनों से अर्थ से जोड़ना चाहिए। सभी फ्रेमों तथा धातु ढक्कनों की अर्थ के साथ चालकता बनाए रखने के लिए अच्छे यांत्रिक जोड़ों द्वारा ही जोड़ना चाहिए व अर्थव्यवस्था का समयबद्ध निरीक्षण करते रहना चाहिए।
नियम नंबर 77, किसी भी सड़क के साथ ओवरहेड लाइन के निचले चालक की जमीन से दूरी निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइन के लिए 5.8 मीटर अर्थात 19 फीट के लगभग होनी चाहिए व उच्च वोल्टेज लाइन के लिए 6 मीटर या 20 फुट के लगभग होनी चाहिए। नियम नंबर 78, चालकों के बीच की दूरी अर्थात तारों की दूरी निम्न तथा मध्यम वोल्टेज लाइन के लिए 1.22 मीटर लगभग 4 फीट होनी चाहिए। 11,000 वोल्ट तक उच्च वोल्टेज लाइन के लिए 1.83 मीटर या 6 फीट के लगभग होनी चाहिए। 11,000 वोल्ट के ऊपर उच्च वोल्टेज लाइन के लिए 2.44 मीटर लगभग 8 फीट होनी चाहिए। अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाइन के लिए 3.05 मीटर 10 फीट लगभग होनी चाहिए। नियम नंबर 79, किसी भी मकान से निम्न वोल्टेज लाइन तथा सर्विस लाइन की दूरी से संबंधित नियम। अगर लाइन मकान के ऊपर से गुजर रही हो तो उसकी दूरी मकान से 2.44 मीटर लगभग 8 फीट लंबवत होनी चाहिए अर्थात मकान से 8 फीट यानी 2.44 मीटर ऊपर से लाइन जानी चाहिए। यदि लाइन मकान के बगल से गुजर रही हो तो उसकी क्षैतिज दूरी मकान से 1.22 मीटर लगभग 4 फीट होनी चाहिए। नियम नंबर 80, किसी भी मकान से उच्च वोल्टेज लाइन की दूरी। अगर लाइन मकान के ऊपर से गुजर रही हो तो उसकी दूरी मकान से 3.66 मीटर लगभग 12 फीट के करीब होनी चाहिए। अगर लाइन मकान के बगल से गुजर रही हो तो उसकी क्षैतिज दूरी मकान से 1.22 मीटर लगभग 4 फीट से लेकर 1.83 मीटर लगभग 6 फीट होनी चाहिए। किसी भी मकान से अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाइन की दूरी। अगर लाइन मकान के ऊपर से गुजर रही हो तो मकान से 3.69 मीटर लगभग 13 फीट ऊपर होनी चाहिए और यदि लाइन मकान के बगल से गुजर रही हो तो उसकी क्षैतिज दूरी मकान से लगभग 7 फीट दूर होनी चाहिए। नियम नंबर 90, ओवरहेड लाइन में अर्थ लाइन को 1 मील यानी 1.609 किलोमीटर में 4 जगह पर अर्थ करना चाहिए। नियम नंबर 92, किसी भी ओवरहेड लाइन में लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करना चाहिए ताकि ओवरहेड लाइन को आसमानी बिजली के किसी भी दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्रोसेसिंग ऑफ गेटिंग लाइसेंस। हरेक राज्य के विद्युत क्षेत्र को नियंत्रित तथा सुचारू चलाने के लिए एक निदेशालय होता है। इसमें एक अधिकारी होता है। इस अधिकारी का कार्य है कि वह सभी कार्यों को भारतीय नियमों के अनुसार चलाए। इसी निदेशालय का प्राधिकारी विद्युत क्षेत्र के कार्यकारियों जैसे वायरमैन, फोरमैन अथवा सुपरवाइजर तथा केबल जोड़ने वालों को लाइसेंस देता है। यह लाइसेंस प्राप्त करने के लिए राज्य के निदेशालय से संपर्क करना चाहिए तथा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वहीं पर आवेदन करना चाहिए। कक्षा कार्य, वायरिंग शुरू करने से पहले कौन कौन से मुख्य ISI के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए।
सारांश। इस अध्याय में हमने भारतीय विद्युत नियमों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की व लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का अध्ययन भी किया।